दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं LIC के IPO से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। यदि आपने भी LIC के IPO के अंदर अप्लाई किया था और अगर आपको भी अलॉटमेंट में जो शेयर से वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए गए हैं और अगर नहीं भी किए गए हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। LIC IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, जहां कल के दिन LIC IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें -25 रुपये तक जाते हुए देखने को मिल रही थी, यानी कि इसकी जो लिस्टिंग है वो लगभग 25 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिल सकती थी। तो वहीं आज के दिन जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम LIC के IPO के निकल कर आ रही है वो काफ़ी अच्छी है, यानी कि ओवरऑल अब सभी इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को, सभी को यहाँ पर काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन में किसको कितना प्रॉफिट होने वाला है और यहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए या फिर लिस्टिंग जैसी भी रहे आपको यहाँ पर अपनी पोजीशंस को स्क्योर ऑफ करके बाहर हो जाना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले उन इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं जिन्हें LIC के IPO का अलॉटमेंट तो मिला है लेकिन अभी तक उनके डीमैट अकाउंट के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो अभी तक क्रेडिट नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर LIC की तरफ से ही जानकारी निकल कर आ रही है कि जितने भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि एलिजिबल हैं, जिन्हें अलॉटमेंट मिला है, तो 16 मई तक उनके डीमैट अकाउंट के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स उनको अलॉट हुए हैं वो उनके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो किसी प्रकार से आपको यहाँ पर पैनिक नहीं लेना है। बात करें लिस्टिंग सेम डे पर होने वाली है। 17 मई के दिन आपको LIC IPO की NSE और BSE के एक्सचेंज पर लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है। अब बात करें कि जिन्हें अलॉटमेंट नहीं लगा है उनका रिफंड कब यहां पर वापस रिलीज होगा, यानी कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो अमाउंट फ्रीज कर दिया गया है उसे रिलीज कब किया जाएगा। तो फ्राइडे के दिन तक आपका अमाउंट जो है वो रिलीज होते हुए देखने को मिल जाएगा। BIPAM के सेक्रेटरी तुहिन कांदा पांडे की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से मार्केट के अंदर अभी सिचुएशंस चल रही है, जिस प्रकार से मार्केट के अंदर लगातार गिरावट हो रही है, पिछले 2 महीने के सबसे नीचे के लेवल पर मार्केट अभी हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, उसमें LIC का IPO निकल कर आया है और वहां पर भी जो सब्सक्रिप्शन है वो 3 टाइम्स हमें देखने को मिले हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर LIC के IPO को रिस्पॉन्स मिला है और आने वाले लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। अब बात करें कि LIC IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर कल के दिन जो हमें -25 रुपीज देखने को मिल रही थी वो आज यहाँ पर 5 रुपये रिकवर हुए हैं उसमें, यानी कि 20 रुपीज नेगेटिव हमें मॉर्निंग में देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी लेटेस्ट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम LIC के IPO की निकल कर आ रही है वो तो और ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी कि अभी की लेटेस्ट 14 मई 2022 की अगर हम LIC के IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर और ज़्यादा यहाँ पर रिकवरी हुई है और -13 रुपये, यानी कि 13 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ये शेयर लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन में ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें आते हुए देखने को मिल सकती है। और इस रिपोर्ट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड। तो आपको इस पर डिपेंडेंट होकर डिसीजन नहीं लेना है कि यहाँ पर जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम रहेगी उसी पर आपको लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम नेगेटिव है लेकिन उसके बावजूद आपको जो डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी जो लिस्टिंग है LIC के IPO की वो पॉजिटिव भी देखने को मिल सकती है। और सेंटिमेंट तो यही कहते हैं कि यहाँ पर आपको एक फ्लैट लिस्ट देखने को मिल सकती है, यानी कि 949 रुपए पर आपको इसकी लिस्टिंग डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। तो उस केस में रिटेल इन्वेस्टर्स को तो ऑलरेडी यहां पर काफी अच्छा गेन मिलने ही वाला है, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ऑलमोस्ट सभी पॉलिसी होल्डर्स ने LIC IPO के अंदर अप्लाई किया है, काफी पॉलिसी होल्डर्स को तो शेयर्स अलॉट भी हुए हैं, तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए ऑलरेडी यहां पर जो LIC के IPO के शेयर्स हैं वो 50 रुपीज़ डिस्काउंट पर हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 750 रुपीज़ का गेन आपको एक लॉट के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन अभी के टाइम पर देखा जा सकता है। तो ओवरऑल ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ प्रिडिक्शंस लगाई जाती है कि यहाँ इस प्राइस के ऊपर आपको लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, ये कोई फाइनल प्राइस नहीं है। तो आपको यहाँ पर
पैनिक बिल्कुल भी नहीं लेना है। LIC ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छे मुनाफे में हमें देखने को मिलती है। मार्च 2022 की अगर आप LIC की होल्डिंग्स देखेंगे तो BSE 200 यूनिवर्स के अंदर लगभग 4.5% का स्टेक LIC के पास में है और यहाँ पर FPI का लगभग 22.4% का स्टेक है। वहीं 8% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स के पास में है और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 8.2% का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में है। यानी कि ओवरऑल हमें काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी देखने को मिलती है। LIC IPO के आने के बाद में कंपनी को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी ओवरऑल 42,862 करोड़ रुपए के काफ़ी बड़े मुनाफे में है। यानी कि ओवरऑल अगर आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन नहीं भी होता है और अगर आप यहाँ पर पोजीशंस को होल्ड करके भी चलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपका व्यू, आपका नज़रिया आने वाले 3 से 5 सालों का होना चाहिए। क्योंकि USA के अंदर जिस प्रकार से इंश्योरेंस कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, वैसे ही पर्सनल इंश्योरेंस में भी अब हमारा इंडिया बूस्ट कर सकता है। कल के दिन भी मैंने आपको एक रिपोर्ट में बताया भी था कि अब इंश्योरेंस कंपनियों का जो ग्रोथ है वो हमें हर साल 15% CAGR से प्रेडिक्ट करी जा रही है। यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर प्रेडिक्ट करी जा रही है और इसी के साथ में लगभग 66% का मार्केट शेयर LIC के पास में है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियों को बेनिफिट मिलता है तो डेफिनेटली उससे LIC कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट भी देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यूसली अभी भी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और DII अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो वहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिली थी, जिस कारण से मार्केट के अंदर अभी भी आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जितना भी लिस्टिंग गेन आपको LIC के IPO के अंदर मिले आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके बाहर हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने माइंड को क्लियरली सेट करके यहाँ पर चल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बाजार की खबर को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आपको LIC के IPO की मॉर्निंग सेशन में, आफ्टरनून सेशन में और इवनिंग सेशन में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल कर आ रही है वो कंटिन्यूसली आपके साथ शेयर करी जा रही है। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां से आपको मार्केट की हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।